मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तराखंड के लास्ट 3 एपिसोड्स में मैंने आपको उत्तराखंड के गांव के बारे में दिखाया। आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे ही एक और गांव लेकर चलूंगा जहां मैं अनजाने में ही एक ट्रैक करते करते पहुंच गया था। तो देखिए कैसा है ये गांव और कैसे हैं गांव के लोग। चलो 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 आजा, गुड बॉय। नमस्ते जी। तो ये रास्ता यहीं आता है कि आगे गांव भी है? मुझे लगा इसी घर के लिए रास्ता बना रखा है। पानी मिलेगा थोड़ा पीने के लिए? तुमने मुझसे नमस्ते जी, आप कर लीजिए पढ़ाई। नमस्ते जी, हेलो बेबी। नमस्ते जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है ये। कितने कमरे हैं यहाँ पे? अच्छा, खुद भी गिने रहे हो? कभी गिने नहीं ना। अलग अलग घर में अलग अलग लोग रहते हैं? यहाँ पे 3 परिवार रहते हैं। ओके, और भी 16 कमरे। ये तो बहुत अच्छे पुराने टाइम का घर है, राइट? बैठिए। मैं चंडीगढ़ से आया, मेरा दोस्त है यहाँ पे नीचे, सती है ना ये सती, नीचे एक होटल है उनका, दुकानें हैं, जो मंदिर है जिनके, सती जी। हाँ, तो मैं उनके घर मेहमान हूँ, वहीं रुका हुआ। वो हमारे जी लगते हैं। अच्छा, विजय विजय है, राज है, रामेश्वर, रामेश्वर सती, वो दोस्त है मेरा। उनका नानी गांव ही है। कौन सा? अच्छा, उनका मामा जी का गांव ये है ना। मुझे बता रहे थे कि ऊपर जब आप जाओगे। ये मामी। अच्छा, आप उनके मामी जी हैं। अच्छा, वो मेरे दोस्त है, चंडीगढ़ में हम दोनों साथ ही साथ रहते हैं, एक ही जगह नौकरी पर। रामेश्वर, हाँ रामू, रामेश्वर रामू, हम लोग उसको रामेश्वर ही कहते हैं। हाँ, मैं देख रहा था कहाँ पे जाता है, रास्ता क्या है। जी जी जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सोना नाम है, सोना। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इधर इधर वो भी दिख, वाइल्ड लाइफ भी दिख, बस दिखे वो मृग दिखे? नहीं, मृग नहीं दिखा मेरे को। नहीं दिख, मृग होता है यहाँ पे, बार्किंग डियर, तो एक्चुअली वो डियर है, पर वो ऐसे शेर की आवाज निकालता है ना, ऐसे आवाज निकालता है, ऐसे करके निकालता। मुझे कुछ नहीं देखा। इधर रहते हैं ना रास्ते, तो रात में आना खतरनाक है। उसका रीछ भी आ जाता है, भालू। अच्छा, यहाँ पे भालू भी है, बार्किंग डियर आपने बोला और जंगली सुअर बोला, और पॉर्क्यूपाइन भी यहाँ पे है। वो क्या होता है पॉर्क्यूपाइन? किसको बोलते हैं? वो कांटे वाला। अच्छा अच्छा, वो जो शाही जो होता है वो भी यहाँ पर है। इतने सारे एनिमल्स हैं? बहुत सारे एनिमल्स हैं। कभी देखे नहीं आपने? यहाँ आते रहते हैं घूमते हुए, देखे कभी? हाँ, हम तो देखते रहते हैं बहुत सारे। गौरव ले चले हमें अपने घर की सैर करवाने, तो चलिए चलते हैं। अच्छा, नीचे ये कमरे बने हुए हैं यहाँ पे, ये वाले। ओके, अच्छा 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 अच्छा, अंदर वो मिट्टी से दीवारों को किया हुआ है। ये किचन है और ये बिल्कुल मिट्टी से लिपा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ी स्टाइल में बने हुए मकान है, बिल्कुल पत्थर की दीवार और फिर मिट्टी की पुताई इस पे हो रखी है। ये गेट है ऊपर जाने का, इसे खोली कहते हैं हम। ये खोली से ऊपर हम जा रहे हैं। ये हम ऊपर की मंजिल पे हैं। ये पहाड़ी, हाँ, ये आपका रूम है? हाँ। बहुत अच्छे पहाड़ी स्टाइल में बने हुए कमरे। तो इसकी हाइट इतनी कम क्यों रखी है? या ये पहले से ही जो है, मतलब इसका जो यहाँ पे हाइट कम ही रखते हैं इन कमरों की, एक सेंसिटिव है भूकंप की दृष्टि से काफी। ओके, तो इसलिए हाइट छोटी है, छोटी रखी थी पहले से। खिड़कियाँ भी इसलिए छोटी छोटी, दरवाजे भी छोटे छोटे है, इससे मजबूती आ जाता है ना। हाँ, तो दीवार मोटी बनाओ लेकिन छोटा रखो, मजबूती ज्यादा रहेगी।
ये भी है। यहाँ ऊपर हाइट देखो, मैं अगर सीधा खड़ा हो जाऊँ तो ये छत को लग रहा हूँ सिर्फ दो उंगली जितना फर्क है। अच्छा इसके ऊपर भी है तो ये बीच में जगह है ना, हाँ आप आके देख। हाँ अच्छा स्टोरेज की तरह है। हाँ ये बिल्कुल स्टोरेज का काम करता है, यहाँ पे हम अपना पूरा सामान वामान जो भी है। हाँ ये दिख तो रहा है, तो ये स्टोरेज की तरह आप यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं चीजों को। ये कड़ी है ऊपर, ये टिन का शेड है और ये लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं यहाँ पे। वाह, अरे कंडे हो गए ये कंडे, ये क्या कुछ इकट्ठा करके लेके आना होता है पीठ पे। अच्छा घास के लिए आप इसे यूज करते हैं, बहुत बढ़िया। ये संदूक पे चढ़ा हुआ मैं भी, उतरा नीचे। इनको मंच बोलते हैं हम लोग। अच्छा लकड़ी का संदूक नहीं, मंच कहते हैं। तो ये सोने के लिए भी यूज हो गया, स्टोरेज के लिए भी हो गया, बेड भी बन जाएगा, दोनों ही चीजें हो गई। गुड डे यार, अमर तो बोल रहे हैं कि आप हमें वहाँ पे बना के दे दो, ये हम आपको दे देंगे। इसको जंगला बोलते हैं। तो ये जंगला बोलते हैं। तो ये जंगला है यहाँ पे। आपके कुत्ते से मेरी दोस्ती हो गई आती ही, एक बार जैसे भाग के आया ना तो मुझे लगा काटेगा भाई, ये नहीं रुकने वाला है ना। कर लो लो परी करो, मेरे घर पे भी डॉग है ना तो इसको पता चल जाता है, ये कुत्तों को तंग नहीं करता है। बेबी है ना मेरे बच्चों, ओए 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 कितने शौक से हो, कितने प्यारे से हो तुम। अच्छा यहाँ से केदारनाथ दिखता है, पहाड़ियाँ दिखती है वो जो बर्फ में ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं अभी। जी जी तुंगनाथ चोपता क्या बात है, खूबसूरत जगह है, नज़ारा देखो आप यहाँ से। ये देखिए यहाँ का आंगन, वो क्या बना रखा है उधर, मंदिर है क्या वो जो सजा रखा है जिसको। हाँ हाँ तो ये जंगला हुआ यहाँ का जी। मैं एक ये देखिए छोटी सी बालकनी जिसको बोल सकते हैं, यहाँ जंगला कहा जाता है। तो आप यहाँ बैठते हैं, धूप सेकते हैं, छोटे बच्चे भी खेलते हैं, और हम लोग भी बैठते हैं। अरे हम जब हमारा बचपन जो हम खेल खेलते थे वो इसी जंगले में सबके साथ एक साथ बैठ के। अच्छा जो भी किसी को खेलना होता था खेलते रहते थे। वाह, तो स्नोफॉल होता है इस जगह, बर्फ गिरती है यहाँ। स्नोफॉल नहीं होता है यहाँ पे नहीं होता है, थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ होता है। हाँ यहाँ पे आते आते स्नो गल जाती है पूरी। तो सामने पलेठी गाँव है वो सामने, और जो मेन लाइन जो आ रही है ना ये वहाँ से आ रही है, बद्रीनाथ विष्णुप्रयाग से आ रही है। आज यही रुक जाओ, मैं तो रुक जाऊंगा आपको। हाँ यही सो जाऊंगा, बहुत अच्छा है तो जी, मेरे को तो इनविटेशन मिल गया कि रात को आप यहीं रुक जाओ, अच्छी जगह है, मज़ा आ रहा है। अम्मा कैसे हैं? ठीक हैं। धूप चली गई, ठंड तो नहीं लग रही है? बहुत बढ़िया ना। सोने के हिसाब से ये ऊपर आना होता है, तो सोना है तो ऊपर आ जाओ। अभी जैसे सर्दियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं क्योंकि मिट्टी है ये, है ना। यहाँ पे तो नहीं पर अंदर पे पूरी मिट्टी है। अच्छा इस तो ये मिट्टी जैसा ही लग रहा है पर ये सीमेंट कर दिया इसको, कलर वैसा ही रखा है। ओके, और ये पूरा मिट्टी है, ऊपर लकड़ी का हुआ है, बहुत अच्छे हैं यार। ये क्या, अच्छा चाय यहीं ले आए? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये सामने वाला कमरा है, बस चलते फिरते स्तर बचाना पड़ेगा, मैं दो बार लगा चुका हूँ। वाह जी बहुत बढ़िया लगा आके। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, खोली बोलते हैं। खोली किसको खोली बोलते हैं? ये जो अच्छा ये जो है ये दर दरवाजा का दर जो होता है ये दर को खोली बोलते हैं। और इसे हमारे जो है संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। अच्छा जी। हम इसे गणेश का एक रूप मानते हैं। ओके, खोली का गणेश हम मतलब इसकी पूजा करते हैं। अच्छा 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 ये यहाँ पर इसका
तो ये जो हार या डेकोरेशन के लिए लगाई है उनके लिए है। और ये लकड़ी किस चीज की देख रहा हूँ मैं, ये टिमरू बोलते हैं हम इसे। अच्छा जी, ये शायद हिंदी से क्या बोलते हैं मेरे दिमाग से उतर गया, पर इसे हम टिमरू बोलते हैं। ये भी बहुत पवित्र लकड़ी मानी जाती है। ओके, ये आपको हर जगह मिलेगी, हर हर दरवाजे के ऊपर, हर हर खोली के ऊपर मिलेगी, आप कह रहे हैं ना। खोली है, हाँ। ओके, हाँ, हम इसको लगाते हैं। हाँ, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये। ये वही है ना जिसकी दातुन भी करते हैं? हाँ हाँ, ये वही है ना। और क्या नाम बताया आपने इसका? टिमरू बोलते हैं। टिमरू बोलते हैं, हाँ। टिमरू बोलते हैं शायद, टिमरू। ओके, इसे हिंदी में जो शायद वही बोलते हैं, टिमरू बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, पर हम इसे गढ़वाली में टिमरू बोलते हैं। ओके, तो आज सुबह ही मैं दातुन जो करके आया ना, वो यही वाली है। इसके कांटों से मैंने पहचान लिया। अच्छा जी, ये थाली भी अलग है। ये कैसा डिजाइन है? ऐसा जैसे पानी गया हुआ इसके अंदर। देखो, आप नहीं पी रहे चाय? ना अभी थोड़ी देर पहले ही। अम्मा आप तो चाय पी लो। हम लोग आप पीने बाबा। अभी की तास ये। कहाँ घर में? चंडीगढ़ में। अच्छा। वहीं रहता हूँ मैं। अच्छा। तो वहाँ पे तो गांव नहीं होगा, शहर शहर में रहता हूँ। इसलिए तो गांव ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर से आधे ज्यादा लोग अब जो है शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। यहाँ भी बहुत सारे खेत वाले हमारे बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, बहुत नीचे तक भी खेत। अच्छा, तो अभी लोग चले गए गांव शहर में सब? अभी आधे से ज्यादा लोग यहाँ से छोड़ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। तो यहाँ पे कौन कौन रहता है अभी? यहाँ पे हम रहते हैं, दादी लोग रहते हैं, दादी जी हैं, ये यहाँ पे ताई जी लोग रहते हैं, अभी है नहीं। अच्छा, तो ये यहीं रहते हैं, ये शहर नहीं है? ये भी गए, मतलब रहते शहर में ही है। अच्छा। पर आते जाते रहते हैं, जो उसके बगल पे हैं वो तो परमानेंट ही ज़्यादातर टाइम नीचे रहते हैं इसी केस में। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ घर बनाया? उन्होंने वहाँ घर बनाया। कितने लोग हैं इस गाँव में और गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम बेडुला। यहाँ पे अभी 11-12 परिवार रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो यंग लोग हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए बाहर चले गए, तो बुजुर्ग जो हैं ज़्यादातर वही। आपने नहीं सोचा वहाँ जाने का? मैं पढ़ाई करके जाओगे? मैंने सोचा, मैंने बोला यही एक एग्जांपल यहीं सेट किया जाए, यहीं बैठ के तो पढ़ाई करो, गांव में रह के भी वही हो सकता है जो आप नीचे पढ़ सकते हो। तो क्या सोचा फिर यहाँ रह के करने का, कुछ और भी कर लें? मैं अभी वैसे प्रिपरिंग कर रहा हूँ, हो जाता है तो अच्छा है, फिर यही बस यही मतलब एग्जाम देकर नौकरी लगेगी, फिर आपको भी जाना पड़ेगा। जाऊँगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं ना, मतलब परमानेंट नहीं छोड़ूंगा। घर को भी ले जाएगा? आप सबको ले जाएगा? मम्मी यही है, पापा यही है, दादी यही है, तो अच्छा है, जुड़े रहना जरूरी है। दादी जी क्या कर रहे हैं? खाना पीना खा रहे हैं। अच्छा, तो गांव घूमने चलते हैं, खाना खाएंगे, रहने खाना है, खाना खाते हैं आप चाय भी? अच्छा, खाना बना रहे हैं क्या? ना बन रहा है, लगी तो मेरे को भूख थी यार, सही में खिला रहे हो तो बड़ा सही कर रहे हो। भूख के मेरा हाल खराब था मेरा। सुबह क्या खाना खाने के लिए ढाबे वाले पे जो पुल के इधर है? अच्छा, है नहीं, कहते है नहीं जी खाना खाने को, अजीब बात है। एकदम नाश्ता बनाते हैं? हाँ, वो सिर्फ दिन का बनाता है शायद, रात का तो कैसे है, मेरे कस्टमर आते रहते हैं, मांगते रहते हैं, देता नहीं है, फायदा क्या? अब खेत में जा रहे हो? हाँ, घास काटने? कौन सा वाला घास काटोगे? सूखा घास? हाँ। वो जो इकट्ठा कर रखा है पेड़ के साथ? अच्छा अच्छा, वही वाला है? वो सारा आपने इकट्ठा किया हुआ है क्या, जो मैं देख रहा था रास्ते में? सभी लोगों का है, मेरा ही। तो सभी का है? तो वो जब सर्दियाँ होती हैं तब उसको खाने खिलाते हैं फिर? तो उसको काटते कैसे हैं? अच्छा, ऐसे ही दे देंगे साबुत? काटते नहीं है उसको? मशीन नहीं है यहाँ पे? हाँ, ऐसे भारी लगा के लाते। अच्छा, हाँ, तो उसको ऐसे ही दे देंगे, वैसे खा लेंगे? वैसे ही खा लेंगे।
तो उसमें कुछ मिक्स भी करते हैं खाली घास, केवल घास टेस्ट बढ़ जाता है, स्वाद आता है खाने में। आप काट के खिलाते हैं ना, सब समझ रही है कि नहीं खा, स्वाद नहीं आ रहा। वहाँ काट के खिलाते हैं, ऊपर से उसमें वो खल और चोकर आटा वो अच्छा, सब डालते हैं। अच्छा है ना। हाँ। और ये अंडे की सब्जी, सब्जी लगा रखी, प्याज लहसुन सूखने के लिए। बहुत अच्छे ठीक है, ओके बाय 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 बाय। इतना चलने के बाद प्यास लगा, ये थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ।